नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इंडिया टू बाय रुपीज 7,200 करोड़ रुपीज वर्थ डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम यूएस। मतलब कि रफली आप कह सकते हैं $1 बिलियन का हम डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेंगे यूएस कंपनी से हमारी नौसेना यानी नेवी के लिए। डिस्कस करेंगे क्या खरीद रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020, सो ऑब्वियसली अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, यूपीएससी 2020 की तैयारी आप घर बैठे या कहीं भी कर सकते हैं विद आवर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com से, और यू कैन कॉल दिस नंबर 9580408004 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाइए, यहां पर सर्च करिए धवन सर, एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर नोटिफिकेशन एंड पीडीएफ फाइल ऑफ एवरी सिंगल वीडियो आई मेक। नाउ प्रारंभ करने से पहले क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, अच्छा क्वेश्चन है, रिसेंटली न्यूज में भी था, एक मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंटली काफ़ी तक न्यूज़ में थी, क्योंकि यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना तीनों कंट्रीज़ की मिलिट्री, उसके अलावा कुछ और कंट्रीज़ की मिलिट्री ने भी पार्टिसिपेट किया था। इस एक्सरसाइज का नाम है सेंटर 2019। आपको बताना है कि यह मिलिट्री एक्सरसाइज किस देश में हुई थी। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, रशिया, चाइना, थाईलैंड, कजाकिस्तान। नीचे कॉमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर दो। नाउ पिछले कुछ सालों में आपने देखा है कि जब से कॉमकासा और लेमोआ साइन हुआ है, इंडिया और यूएस की डिफेंस एंगेजमेंट काफ़ी तक बढ़ी है। रिसेंटली आप अगर देखें तो एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन छुआ है दोनों कंट्रीज़ ने टाइगर ट्रायम्फ के रूप में। ये पहली ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज थी बिटवीन इंडिया एंड यूएस। ये आंध्र प्रदेश के कोस के पास हुई है। ट्राई सर्विस मतलब कि यहाँ पर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों ब्रांचेस से जो सोल्जर्स हैं, जो मरीन्स हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये कुछ आपके सामने इमेजेस हैं ऑफ टाइगर ट्रायम्फ, याद रख सकते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, सो ये मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी बात है। उस सब के अलावा इंडिया ने यूएस से जो डिफेंस परचेजेस हैं ये भी पिछले एक दशक में काफ़ी हद तक बढ़ा दी है। हमने यूएस से रिसेंटली खरीदे हैं अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स, उसके अलावा C-17 ग्लोब मास्टर, C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, M-777 अल्ट्रा लाइट हाउइट्सर, उसके अलावा ANTPQ वेपन लोकेटिंग रेडार। इस सब के अलावा पोसाइडन एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट भी है। तो बहुत सारे वेपन्स हमने यूएस से खरीदे हैं वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और अभी बात चल रही है, हो सकता है इन द फ्यूचर जो $15 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है फॉर एयरक्राफ्ट्स, ये भी यूएस कंपनी को मिले लॉकहीड मार्टिन। और एक और बातचीत चल रही है NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम की एक्विजिशन को लेकर। तो मैं कहूँगा इंडिया यूएस एंगेजमेंट इससे बेहतर कभी भी नहीं थी। नाउ इसमें ही रिसेंटली एक एडिशन ये हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी थी यूएस गवर्नमेंट को कि हम $1 बिलियन से भी ज़रा का डिफेंस हार्डवेयर खरीदना चाहते हैं फॉर आर नेवी, तो इसकी परमिशन आप दे दीजिए। इंडिया को बेसिकली खरीदनी थी 13 MK-45 नेवल गन्स और उसके साथ बहुत सारा एम्यूनेशन। तो यूएसए का जो स्टेट डिपार्टमेंट है इन्होंने क्लियरेंस दे दी है इस पूरी परचेज को, और अब इंडिया ये सब खरीद सकता है। टोटल हम यहाँ पे 7,200 करोड़ रुपये खर्चेंगे। इसमें हमको ये जो गन्स हैं यहाँ पे MK-45 ये मिलेंगी, एम्यूनेशन मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगी, साथ में स्पेयर पार्ट्स, इक्विपमेंट की ट्रेनिंग, टेक्निकल डेटा, ट्रांसपोर्टेशन और वेरियस और असिस्टेंस मिलेगी। ये सब मैं आपको बता दूँ, हम यूएस गवर्नमेंट से नहीं खरीद रहे, यूएस गवर्नमेंट ने बेसिकली हमको क्लियरेंस दे दी है कि हम एक अमेरिकन कंपनी से डिफेंस हार्डवेयर खरीद सकते हैं। ये जो डिफेंस कंपनी है इसका नाम है BAE Systems लैंड एंड आर्मामेंट्स। ये बहुत टाइप का डिफेंस इक्विपमेंट, एम्यूनेशन, ट्रक्स, एम्यूनेशन, बहुत कुछ डेवलप करते हैं, तो बेसिकली हम इनसे ये सब खरीद रहे हैं। नाउ MK-45 के बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो ये एक बहुत ही अच्छा गन सिस्टम है, फुल्ली ऑटोमेटिक नेवल गन सिस्टम है। इसकी रेंज है 36 किलोमीटर, जो काफ़ी इंप्रेसिव है। और ये आपके सामने फोटो है MK-45 की, आप देखेंगे दिस इज MK-45। एक आदमी काफ़ी दूर से कंट्रोल रूम से ही इसको फायर कर सकता है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये इसका एम्यूनेशन है। तो हमने एम्यूनेशन और जो ये गन है टोटल 13 ये गन्स ये खरीद ली हैं। नाउ हम लोग इसका यूज़ करेंगे कैसे, देखो मोस्ट प्रॉब्ली हम इनको यूज़ करेंगे अपने डिस्ट्रॉयर्स में। नेवी में आप अगर देखेंगे तो शिप्स प्राइमरली दो टाइप की होती हैं, एक है फ्रिगेट्स और उसके बाद है डिस्ट्रॉयर्स। हाँ सबमरीन्स भी हैं, मगर हम अगर बात करें कि सरफेस से ऊपर जो रहती हैं शिप्स, तो वहाँ पे है डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स। डिस्ट्रॉयर की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर ये छोटे रेंज के जो अटैकर्स होते हैं उनको टारगेट करता है, और ये काफ़ी हद तक कॉन्वॉय को हेल्प करने में यूज़ की जाती है। तो आज के समय हमारे पास 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं 3 क्लासेस से, एक है कोलकाता क्लास, दिल्ली क्लास, राजपूत क्लास। ये क्लास का क्या मतलब होता है, हर क्लास के अंडर
कुछ डिस्ट्रॉयर शिप्स आती हैं और आने वाले समय में हम और डिस्ट्रॉयर्स भी डेवलप करेंगे। ये आपके सामने एक एग्जांपल है डिस्ट्रॉयर का, ये है INS मुंबई जो एक डेली क्लास शिप की कैटेगरी के अंडर आती है। और ये आप देखेंगे ये गन है इसकी, तो बेसिकली जो हम MK-45 खरीदेंगे ये यहाँ पर इस टाइप की जो गन है इसको रिप्लेस करेगी। नाउ क्या ये गन्स इंडिया की नेवी को बहुत ही ज़रा स्ट्रांग बना देती है, क्या इससे हमने नेवी का जो बैलेंस है रीजन में ये चेंज कर दिया? नहीं, टू बी ऑनेस्ट ये गन्स काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है क्लोज कॉम्बैट में, ठीक है, मगर ऐसा नहीं है कि ये गन्स आने से पाकिस्तान अलर्ट हो जाएगा या फिर रीजन में हमारे पास सुप्रीमेसी आ गई है। ये ऐसा नहीं है कि हमने रफेल खरीद लिया, ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है मगर इसकी जो इम्पॉर्टेंस है आपको काफ़ी सटल तरीके से पता लगेगी। तो इसीलिए US ने जब अप्रूवल दी इस पूरी डील की तो ये मेंशन किया है कि दिस डील विल नॉट ऑल्टर द बेसिक मिलिट्री बैलेंस इन द रीजन। अब एक और बात ये चल रही है कि जो गन्स हम यहाँ पे US से खरीदेंगे सारी मेड इन US ना हो, इसमें कुछ ऑफसेट डील हो, मतलब कि ये जो कंपनी है ये कुछ पैसा वापस इंडिया में लगाए। ये सब अभी के लिए डिस्कशन के लिए ओपन है, तो अभी इस पर बातचीत हुई नहीं है। अभी के लिए US गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अप्रूवल दे दी है, आगे ये कहा है कि आगे की बातचीत BAE सिस्टम और इंडियन गवर्नमेंट आपस में कर सकती हैं। नाउ जो ये MK-45 गन सिस्टम है इससे पहले काफ़ी और कंट्रीज खरीद चुकी हैं और वहाँ पर इस गन सिस्टम की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अभी के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया ये तीन देश हैं जिन कंट्री की वॉरशिप्स MK-45 गन सिस्टम को यूज़ करती है। इन द फ्यूचर हो सकता है कि ब्रिटेन और कनाडा भी इसको यूज़ करें। अभी तक US टोटल ऐसे 260 सिस्टम्स बनाकर बेच चुका है। नाउ फाइनली हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, सेंटर 2019 ये मिलिट्री एक्सरसाइज आखिर हुई कहाँ पे थी? तो ये हुई थी रशिया में, ठीक है, और यहाँ पे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, कुछ और कंट्रीज़ की भी मिलिट्रीज ने पार्टिसिपेशन करी थी, दैट इज़ वाई इट वॉज सो मच इन द न्यूज़। सो ये है एंड हमारी वीडियो का, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, कुछ आपने यहाँ पे जाना होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।